लेकर बड़े खुलासे एक ही बाद एक हो रहे हैं। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, घूस लेकर आरोपी का ब्लड सैंपल बदला गया। आरोपी वो नाबालिग आरोपी जो कि शराब पी रहा था, उसके बाद गाड़ी से दो लोगों को कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या ही से हम कहेंगे, क्योंकि शराब पीकर गाड़ी चलाना यू भी क्राइम की कैटेगरी में आता है। ऐसे में लैब डायरेक्टर के इशारे पर ही सैंपल बदला गया था। इस मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है और आज उन आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। लैब डायरेक्टर के जरिए ये जानकारी सामने आई है। चूंकि सख्ती से पूछताछ हुई, जो आरोपी लड़का है उसका ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया गया और किसी और शख्स का ब्लड सैंपल दिया गया, जिसके बाद ये मालूम हुआ कि नॉन अल्कोहलिक ब्लड पाया गया। लेकिन ये सब कुछ फेर बदल के बाद हुआ। मुंबई से प्रथमेश मुट्टांगले हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। प्रथमेश, ये जो पुणे का पोष घटना मामला है, इसको लेकर एक के बाद एक कई खुलासे करने वाले, ये चौंकाने वाले जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो वाकई हैरान कर रहे हैं। इससे पहले हमने फिल्मों में देखा था, सुना था कि ऐसा होता है, ब्लड सैंपल्स बदल दिए जाते हैं, रिपोर्ट्स बदल दी जाती हैं। यहाँ एक्चुअल में ये सब कुछ हो रहा था, वो भी पैसे के दम पर। जी बिल्कुल, ये सब सत्य है। जो भी कुछ पूरी घटना हुई है, पूरी तरीके से जो एविडेंस उसके साथ टैम्पर किया जा रहा है। पूरी देखा जाए तो स्टार्टिंग से अगर केस देखे तो 19 मई को जो घटना होती है, उसके बाद से जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी पड़ती है, जिससे उससे सबूत बनता है। उसके बाद इसी सबूत के साथ छेड़छाड़ की जाती है, 3 लाख रुपए दिए जाते हैं डॉक्टर्स को कि वो अपना जो ब्लड सैंपल है, जो एक्यूज का ब्लड सैंपल है, वो डस्टबिन में फेंक दे और एक गलत रिपोर्ट पुलिस के पास जाए। इसके लिए जैसी ही जो रिपोर्ट है वो आती है, उसके बाद पुलिस इसे जांच करती है और दो डॉक्टर्स को पकड़ती है और एक दो प्यून को अरेस्ट कर देती है और एक प्यून को जो पुलिस की जो टीम है वो अरेस्ट कर देती है। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो तीन डॉक्टर्स अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। जो सेक्सुअल जनरल हॉस्पिटल के जो पुणे के डॉक्टर हैं वो अभी अरेस्ट हो चुके हैं और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये हो जाएगा कि उन्हें पुलिस रिमांड में भेजा जाता है या क्या, और या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, क्योंकि जो 3 लाख रुपए दिए गए हैं वो एक बहुत बड़ी रकम होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई है या फिर तथ्यों को छिपाने की कोशिश हुई है, जिसके जरिए कराई गई और जिसने की, ये सभी लोग आरोपी हैं और इन तक अब धीरे धीरे करके पुलिस पहुंच रही है। एक्शन बहुत तेजी से जारी है। प्रथमेश, नजर आप रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया, आगे बढ़ेंगे।